नगर के गांव जैतपुर में दबंगों ने खेत पर कब्जे की नियत से दबंगों ने एक महिला के घर पर हमला कर दिया और उसके घर को आग के हवाले कर दिया। आग इतनी भयंकर थी कि चंद ही मिनटों में घर जो है आग की लपटों की भेंट चढ़ गया और घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। आरोपी के मुताबिक हमलावर लोगों की संख्या 50 के आसपास थी, वे हथियारों से लैस थे। जोगर जलाया दिया मशरूफ होगा ते लिया ने खाना बनाया दी थी गैस पे आन के मेरे ते खिंचा तानी करी मेरे साथ काली कलोड़े से हमने मोल ले रखी है का मैंने कहा आज मेरी थोड़ी ले रखी दूसरे पद ले रखी तब ने मेरे घर हम आग लगाएंगे जबरदस्ती करेंगे तेरे साथ इस तरह आन का फिर आग ले दीजिए हम बाहर खींच दिए मैं मेरे बच्चे जी मेरा आदमी घर पर था जी गुआले फिर बाद में जब फूक गया जी मेरा सामान। तो कितने लोग आए थे जाम लगने के लिए? ज्यादा थे जी 20-30 में तो मैं तो ज्यादा थे जी मैं तो ज्यादा थे तो क्या हथियार रखा था अध्याने तो जी मेरी छाड़ बनी है हथियार भी ले रखे। हाँ जी देखिए एक डायलेक्ट दोबारा से एक इवेंट प्राप्त हो जाएगी भी ऐसे ऐसे करके गांव जैतपुर में एक मकान को नहीं मकान के पीछे चैन टाइप थी उसमें आग लगा के गई है तो मौके पर जाके जैसे देखा गया तो इनका मामला दो पक्षों का है इस्लाम सन ऑफ लाल दीन जैतपुर और ये गुलजार है जैतपुर का ही इनका किसी ज़मीन को लेकर कोर्ट केस चला हुआ है। उस ज़मीन के साथ लगते ये चैन है जिसपे दोनों पक्ष ये कह रहे हैं कि भाई दूसरे पक्ष द्वारा आग लगाई गई है फिलहाल इसकी इन दरख्वास्त दोनों पक्षों ने दे दी है जिसकी जाँच हमें मिलाई जा रही है। तो सर महिला भी खाना बना रही थी उस टाइम जिस टाइम सर आग लगी है? नहीं इस ये कोई ऐसी बात उन्होंने आप सामने नहीं दी है वो सिर्फ ऐसे सामान रखे।